हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करने जा रहा हूं, जो हमें हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स जो मिरर से रिलेटेड होते हैं लाइट चैप्टर के, उनको सॉल्व करने में। पर ये करने से पहले हम कुछ साइन कन्वेंशंस के बारे में जानना चाहेंगे कि जब हमने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं तो उनके साथ साइन कन्वेंशन किस तरह से डील करेंगे। तो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स क्या होती है? पहला, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। हमने ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में सपोज करके चलना है। दूसरा, ऑल द डिस्टेंसेज आर टू बी मेड फ्रॉम पोल। ये बड़ा जरूरी पॉइंट है, पोल मिरर का सेंटर होता है, वहीं से सारे डिस्टेंसेज मेयर होंगे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड, डिस्टेंस मेयर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये रहा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, आप देख सकते हैं ये रहा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इस डायरेक्शन में पोल से जितने भी डिस्टेंस मेयर करेंगे टू द राइट आर सारे पॉजिटिव होंगे, जितने टूवर्ड्स लेफ्ट होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। तो डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव एंड ऑपोजिट टू इट आर नेगेटिव। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितने भी डिस्टेंसेज होंगे, जितनी भी हाइट मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट की, वो सारी पॉजिटिव लेंगे, और जितनी भी नीचे जाएंगे, जितनी भी हाइट नीचे की होगी, वो सारी नेगेटिव मानी जाती है। ये बेसिक साइन कन्वेंशन हैं। तो याद रखने का, पोल से डिस्टेंस मेजर करना है, लेफ्ट को सारा नेगेटिव, राइट को सारा पॉजिटिव, ऊपर सारा पॉजिटिव, नीचे सारा नेगेटिव। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता रहा हूं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल को यू से डिनोट करते हैं, जो हमेशा नेगेटिव होगा, बिकॉज हमने ऊपर सपोज किया, तो उसको हमेशा लेफ्ट पे रखना है। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल इज वी, कई बार इसको पोजीशन ऑफ इमेज भी कहा जाता है। कनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन के हिसाब से फोकल लेंथ जो होता है वो हमेशा नेगेटिव लेना है, और कॉन्वेक्स के लिए हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। इसको दिमाग में अच्छी तरह फिट कर लेना है। आगे आता है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला एक ऐसा रिलेशन है जो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को रिलेट करके बताता है, विच इज गिवन बाय 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल्स टू 1 बाय एफ। ये एक फार्मूला है जिससे हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमने डायरेक्ट फोकल लेंथ निकाल ली है तो यू वी अपॉन यू प्लस वी, अगर हमें पोजिशन ऑफ इमेज या इमेज डिस्टेंस निकालना है यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, एंड अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना तो वी एफ अपॉन वी माइनस एफ। इन तीनों फार्मूलाज में इसी से बने हैं, और इनके अंदर हम जब भी यूज करेंगे तो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, राइट? हाइट ऑफ इमेज को एच ओ कहा जाता है, और हाइट ऑफ इमेज को एच आई कहते हैं, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ से डिनोट किया जाता है। देखिए, हम कल भी कर चुके हैं और पहले भी हमें पता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए यू हमेशा नेगेटिव होगा, वी भी नेगेटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड है। अगर हम वर्चुअल का केस लेके चलें, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल बनता है मिरर के राइट साइड पे, अगर राइट साइड पे है तो वी पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव मानी जाएगी, और यू तो आपको पहले ही बता दिया, हमेशा नेगेटिव रखना है फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। जैसे ही आप कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल डिटेल में जाता है। तो सबसे पहले आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि इमेज बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, कि बराबर बन रही है ऑब्जेक्ट के साइज के। जैसे आप सुबह लुकिंग ग्लास में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो आप फाइंड करते हैं आपका जो साइज है और जो आपकी जो इमेज का साइज है वो दोनों बराबर है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर आल्सो। तो स्फेरिकल मिरर्स के केस में भी मैग्निफिकेशन होता है, दैट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की फॉर्म में भी रिलेट करें, इट इज माइनस वी बाय यू, और वी और यू की जब भी वैल्यू फिल करेंगे इसके अंदर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। वैसे मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज। अब बात आती है मैग्निफिकेशन किस तरह की हो सकती है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? वर्चुअल इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो नेचर ऑफ इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी दूंगा। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन हो, मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है, मतलब मैग्निफाइड इमेज बनी है। अगर ये लेस देन वन है, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन ऑब्जेक्ट, मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनी है। और इन केस लाइक प्लेन मिरर आल्सो, अगर मैग्निफिकेशन वन है तो हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट सेम है, तो सेम साइज की इमेज बनी है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि बोर्ड में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स में कई बार पूछा जा चुका है कि मैग्निफिकेशन एक मिरर का है -2, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स देके बता रहा हूँ। अगर मैग्निफिकेशन -2 है तो यहाँ पे माइनस का डिफरेंट मतलब है और 2 का मतलब डिफरेंट है। यहाँ पे माइनस स्टैंड करता है, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो रियल इन्वर्टेड। तो यहाँ पे माइनस सिग्निफाई कर रहा है रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, और ये 2 जो है ये 1 से बड़ा है। यहाँ पे जब हम मैग्निफिकेशन में ये
टू डिस्कस करेंगे तो हम साइन नहीं देखते हैं, तो ये टू मतलब ये वन से बड़ा है, तो ये टू टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनी है। इसी तरह का मैंने दूसरा केस डिस्कस करने लगा हूँ आपके साथ, जिस केस में मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू प्लस वन बाई थ्री है, तो प्लस का मतलब है वर्चुअल है एज गिवन बाई यू, और ये वन बाई थ्री जो है वो वन से छोटा है, मतलब कितना छोटा है, तो आंसर विल बी थ्री टाइम्स डिमिनिश्ड इमेज विल बी फॉर्म, थ्री टाइम डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल रेक्ट इमेज विल बी फॉर्म। इसको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट दिया मैंने जो मैग्नीफिकेशन के लिए भी यूज होगा और इसको हम वी के लिए भी यूज कर सकते हैं, दैट इज पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता लग जाए उससे हम नेचर बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैसे एक छोटी सी लाइन लिख दी जिसको हम एज यूज भी कर सकते हैं टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ इमेज। तो मैंने लिखा एनआरआई हैज पावर, तो एन स्टैंड फॉर नेगेटिव, आर फॉर रियल, आई फॉर इन्वर्टेड। तो एनआरआई हैज कोई मतलब नहीं, पावर पीओ मतलब पॉजिटिव, वी मतलब वर्चुअल, ईआर मींस इरेक्ट। ये याद रखने का एक छोटा शॉर्टकट है, राइट। इसके बाद एक न्यूमेरिकल से आज का लेक्चर खत्म करेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, हमें एज पर साइन कन्वेंशन इट इज ऑलवेज नेगेटिव, सो -18 सेंटीमीटर। मिरर हमें कॉनकेव गिवन है तो इसका फोकल लेंथ है 12, तो हमें फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए हमेशा नेगेटिव लेना है। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब वी निकालना है और नेचर भी बतानी है। ऊपर नेचर का फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको एनआरआई हैज पावर से, और यहाँ पे हम वी निकालते हैं पहले। तो फॉर्मूला 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स 1 बाई एफ, बेसिक फॉर्मूला, बाद में शॉर्टकट यूज किया, और मैंने आपको कहा था जब इसके अंदर वैल्यू फिल करनी है तो साइन कन्वेंशन भी साथ में यूज करेंगे। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से -18 इंटू -12 अपॉन -18 प्लस 12, तो यहाँ पे सॉल्व करके इट इज -36 सेंटीमीटर। अब आप देखिए यहाँ पे वी नेगेटिव आया है तो नेचर क्या होना चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड। तो उसके हिसाब से द पोजीशन ऑफ इमेज इज -36 सेंटीमीटर विच इज गिवन टू बी रियल एंड इन्वर्टेड। आज यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है। ये पूरा टॉपिक रिवाइज करिए, अगला लेक्चर बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट।